तो अस्सलाम वालेकुम गेमर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो विद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 मेगा रैम चैलेंज। तो हाँ यार, मैं आप लोगों के लिए लाता रहता था पार्कोर वाले गेम प्ले, लेकिन मैंने सोचा कि यार इसके साथ साथ मैं मेगा रैम वाले चैलेंज भी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है पहला चैलेंज और वो भी मेगा रैम का। तो चलिए शुरू करते हैं मेगा रैम चैलेंज को भाई। और भाई साहब, आप लोग देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक मेगा रैम चैलेंज शुरू हो चुका है। और भी यार, ब्लू कार से भाई, ब्लू पोर्शा से यार, ब्लू कार में बोलो, यहाँ पर कार जो है वो पोर्शा है भाई। तो मज़ा आने वाला है भाई, आप लोग सीट बेल्ट लगा के रहना क्योंकि बहुत ख़तरनाक मेगा रैम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा पूरा कि हम नीचे यहाँ से नहीं गिरे भाई। यार हमारा गेम प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि यार ये मेगा रैम जो है बहुत नीचे है। तो भाई, तो हमें अपने इस कार को, जो भी कार हमारे साथ आएगा चैलेंज वाला, तो उसको सही सलामत नीचे पहुंचाना है भाई। तो यार यहाँ पर हमारे पास आ चुका है पिकअप ट्रक, तो इस पिकअप ट्रक को भी नीचे सही तरीके से नीचे ले जाना होगा, नहीं के नीचे ये पानी में गिर जाए तो यहाँ पर मिशन फील्ड भी हो सकता है हमारा। लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे इस पिकअप ट्रक को नीचे सही सलामत पहुँचाए भाई। बाकी देखते हैं कि यार, मुझे तो नहीं लगता एक ना एक कार तो यहाँ पर नीचे पानी में गिरे ही गिरे, क्योंकि यार ये बहुत ऊंचा है तो थोड़ा बैलेंस को बरकरार रखने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। तो यहाँ पर स्टिल हमारा सेकंड जो चैलेंज था वो भी कंप्लीट हो चुका है पिकअप ट्रक वाला। लेकिन यहाँ पर भाई वैन डीजल वाली कार आ चुकी है यार, वो पूरा ब्लू है यार, पूरे कार का रंग जो है वो ब्लू हो चुका है भाई। लेकिन यहाँ पर वैन डीजल भाई को थोड़ा सही सलामत नीचे पहुँचाना है, तो देखते हैं कि इसका इज्जत का सत्यानाश होता है या नीचे पानी में गिरेगा भाई। यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये तो बहुत अजीब है यार, बहुत मुश्किल है यार इसको सही सलामत नीचे पहुंचाने में भाई। तो ये हमारा थर्ड चैलेंज है, तो इस थर्ड चैलेंज को भी नीचे सही तरीके से पहुंचाना होगा भाई। बाकी देखते हैं यार, यहाँ पर कसम से यार नीचे गिरने का नाम ही नहीं रहा भाई, गाड़ी पलट भी जाती है लेकिन फिर भी मतलब पानी में गिरने का नाम ही, तो ये बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे इसमें आपने हैक लगाया भाई, लेकिन हैक नहीं है भाई। अरे लैम्बोर्गिनी सियोन भाई साहब, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, लैम्बोर्गिनी सियान अचानक से कूद पड़ा भाई। लेकिन यार लैम्बोर्गिनी का इज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा बचाना है क्योंकि मेरा फेवरेट कार है, तो अपनी फेवरेट कार को बचाने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे भाई, नहीं तो हमारा इज्जत भाई पानी में ही बह सकता है भाई। बाकी देख तो यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई इस पार्कोर में, पार्कोर बोल लो यार, मेगा रैम चैलेंज में भाई। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह के मैं और भी आप लोगों के लिए मेगा रैम चैलेंज लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। बाकी मैं रेडी हूँ, रेडी आप लोगों के लिए। तो दोबारा से यार हमारे साथ जीएमसी वाले ट्रक आ चुके हैं भाई, जीएमसी वाले ट्रक तो मानना पड़ेगा, ये भी एक पिकअप ट्रक है लेकिन स्टिल जो पहला पिकअप ट्रक आया था उससे थोड़ा पावरफुल है। तो हमें भाई थोड़ा सही सलामत इसको भी नीचे पहुँचाना है। बाकी देखते यार, जो भी कार यहाँ पर आ जाती है जितने पावरफुल होना, तो यहाँ पर तो ये कल्टिया मार के ही नीचे जाएगी भाई, कल्टिया मार के ही नीचे जाएगी भाई। अरे भाई ये क्या देखना पड़ रहा है भाई, जीएमसी का तो गया इज्जत पानी में भाई, तो जीएमसी गया भाई, तो दोबारा ट्राई करना है भाई, तो दोबारा ट्राई करते देखते, एक चांस तो देना चाहिए ना यार, एक चांस देते हैं जीएमसी वालों को भी। तो चलिए देखते हैं भाई, बाकी यार मुझे नहीं लगता कि ये जीएमसी इसको क्रॉस कर पाएगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाता है और फिर बैलेंस बिगड़ जाता है मुझसे, कि इसको कैसे मतलब इसका बैलेंस कैसे बरकरार करे। बाकी देखते हैं यार, अरे भाई भाई ये तो मुझे लगता है कि ऐसे कल्टिया मार के ही नीचे सही सलामत गिरेगी भाई। तो चलो भाई यार, हमने जीएमसी वालों को चांस दिया लेकिन उससे चांस से फ़ायदा उठा लिया, जब तक चांस है तब तक क्या बोल रहा हूँ भाई, जब तक सांस है तो जब उस यार ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा सर्दी से बोला नहीं जा रहा भाई, तो थोड़ी देर बाद बोलूँगा भाई। हो रहे भाई ये कौन सी कार है भाई, कन्वर्टेबल कार आ गई भाई। यार इस कार का मैंने नाम अभी तक याद नहीं किया, तो आप लोग बताओ कि ये कौन सी कार है भाई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैं भी कार लवर हूँ लेकिन इतना भी नहीं यार कि सारे कार के नाम मैं याद रखूँ, ये बहुत मुश्किल बात है भाई। तो आप लोग ज़रूर बताना कि यार ये कौन सी कार है, वो भी कन्वर्टेबल में भाई। लेकिन स्टिल यहाँ पर भी इसने मतलब फिफ्थ चैलेंज जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और वो भी सही सलामत। तो दोबारा से यार ये पिकअप ट्रक इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे और वो भी अलग अलग शेप में भाई। तो पहली बार जो पिकअप ट्रक आया था वो भी इससे चेंज था, दूसरी बार जो जीएमसी वाली आई थी वो भी चेंज था, लेकिन अभी जो पिकअप ट्रक आया है ना वो भी कमाल का है भाई, मुझे तो ये भी पसंद आया। लेकिन देखते हैं यार इसका
इज्जत पानी में ना चला जाए, बस ये चैलेंज ये कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी ये मेरे ख्याल में सिक्स चैलेंज है, तो इसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है भाई। बाकी देखते कि इसमें कितने चैलेंज हमारे पास आएंगे, तो इसके मुताबिक भाई हम इसको मतलब एंड करेंगे भाई इस चैलेंज को। बाकी यार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चैलेंज आप लोगों को कैसे लगते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। भाई मैक्लेरन क्या कर रहा है भाई, सीधा मैक्लेरन अचानक से कूद पड़ा भाई। यार इस गेम प्ले में मैंने एक बात मानी कि पिकअप ट्रक आ जाता है, दूसरा कोई आम खास गाड़ी नहीं होता, लेकिन अचानक से सुपर कार आ जाता है भाई। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी जो आ चुका है कार, वो है मैक्लेरन जीटी। तो इस मैक्लेरन जीटी को भी सही सलामत नीचे पहुँचाना है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये सही सलामत नीचे पहुँच जाए, क्योंकि मैंने इसका जो बरकरार इसका जो बैलेंस का जो लेवल था वो मैंने पहचान लिया कि ये सही सलामत नीचे गिरी गई। और भाई 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 ये बैटमैन वाली ब्लू कार यहाँ पर क्यों कर रहे हो भाई, ये तो गई भाई, ये तो यार पानी में ही गिरेगी या सीधा, मतलब इसको एक ही झटके में ये कंप्लीट करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार ये चैलेंज जो है वो बहुत नीचे है भाई, तो एक कल्टी तो इसको मारनी ही पड़ेगी भाई। मुझे लगता था कि ये कल्टी मारी पड़ेगी भाई, लेकिन स्टीडिया से तीन कल्टियाँ इसने मारी। लेकिन भाई 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 ये नहीं होना चाहिए था भाई, बैटमैन गया पानी में भाई, वो भी ब्लू पानी में। तो दोबारा से चांस देना चाहिए यार, चांस देना चाहिए बैटमैन यार, इतना तो करना चाहिए यार। तो चलो कोई नहीं, दोबारा से हमने चांस दे दिया बैटमैन को, जो मेरा कज़न है बैटमैन का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मैंने उसको दूसरा चांस भी दे दिया भाई। अगर डेड गेमर एक गेम प्ले देख रहे तो भाई देखो भाई, तुम्हारा कार बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। तो चलिए इसको हमने चिकन चांस दे दिया, लेकिन इसमें इसने जो है चांस में चांस मार दिया भाई, ये सीधा स्लो हो गया। इसको जब पता चले कि मैं गिर रहा हूँ, दोबारा से चांस ख़त्म हो रहे, तो ये यहाँ पर नीचे मतलब रुक गए कि थोड़ा सही सलामत नीचे जाना है, तो चांस को भी बचाना है भाई। तो ये थोड़ा रुक गया और आराम से नीचे गिर गया। अरे भाई ये आइसक्रीम ट्रक यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, आइसक्रीम ट्रक को देखो भाई। तो देखते हैं कि आइसक्रीम ट्रक यहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं भाई। ये तो अभी से बहुत ख़तरनाक कल्टियाँ मार रही है भाई, तो ऐसे कल्टियाँ नहीं मारना चाहिए था यार इसको। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सारे आइसक्रीम अगर पानी में गिर गए भाई, तो हम नीचे क्या खाएंगे भाई, क्या खाक खाएंगे, हमें भी आइसक्रीम खाना है ना यार। इतना बोल रहे तो गला सूख गया, तो एक आइसक्रीम तो बनता है भाई। अरे अरे भाई भाई जैसे ही मैं बोल रहा था भाई, आइसक्रीम सारे पानी में गिर गए, लेकिन जब दूसरा चांस हो तो क्या टेंशन भाई, तो टेंशन नो, आइसक्रीम हम खाएँगे। तो इस बार अगर ये दूसरा चांस के साथ ये अगर सही सलामत ये नीचे गिर गई तो ठीक है, नहीं तो भाई आइसक्रीम गया पानी में, तो ये नहीं होना चाहिए था भाई, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी देखते हैं ये सेकंड चांस में नीचे अगर सही सलामत नीचे गई तो ठीक है, नहीं तो इसको तीसरा चांस नहीं मिलेगा भाई, तीसरा चांस तो बिल्कुल ख़त्म है भाई। इसके बाद दूसरा कार आएगा, और अगर वो सही सलामत नीचे गिर गई तो ठीक है भाई। बाकी यार आइसक्रीम खाने का टेंशन है, तो इसको सही सलामत नीचे पहुँचाना भी है भाई। बाकी यार मेगा चैलेंज, यार ये फर्स्ट मेगा चैलेंज है मेरा, लेकिन बहुत मज़ा आया भाई। इससे पहले मैंने मेरे ख्याल में मेगा चैलेंज मैंने डाले थे, तो भाई लोग बस यहाँ तक था हमारा मेगा रैम चैलेंज। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट धमाकेदार ख़तरनाक वाली गेम प्ले में, तो इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। इट्स योर बॉय, ये yeah.